करने से कितनी सर्टिफिकेशन होती है उसका बताया था वो तो ऑफिस ऑफ नहीं बता रहे थे तो वो यही है छोटी कोई ऑटो की ऑप्शन भी होती है कि अभी जैसे मैनुअली कर रहे हैं ना कि अगर प्राइमरी डाउन ये देखिए उसके भी है अब मैं बता दिखा था अभी जो मैंने भी एक ऑप्शन की थी चेक अगर नोट किया तो शीज को क्या किया था जब उसको रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा था डाटा जी इंटर प्राइमरी में जाके उसको ना वो कह रहा था कि ये देखें उसको मैंने पुश किया था कि मुझे फौरी तौर पर चाहिए देखिए मैं दिखाता हूँ ठीक है मैं चला गया था यहाँ पे ठीक है यहाँ पे जाने के बाद रिजोर्ट ट्रांसफॉर्म में रिजोर्ट ट्रांसफॉर्म में आने के बाद नीचे देखने नोटिफाई ये मैंने उसको पुश किया था ठीक है ना वर्ड फोर्ड से पता वर्ड लिखे हुए थे मैंने उसको पुश किया था कि नहीं मुझे अभी चेंज मुझे अभी डाटा दिस ठीक है तो नोटिफाई में जाता ठीक है तो वर्ड फोर्ड ऑटोमेटिकली नोटिफाई ठीक है कि वर्ड फोर्ड वो कहता ऑटोमेटिकली ठीक है इसके हिसाब से उसको चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं नोटिफाई जब पुश करते हैं ना तो वो फोरी कर देते हैं आपका क्वेश्चन मैं सर ये बात कर रहा था कि जैसे सैलरी डाउन होता है उसी सिनेरियो में जो पहले आप बात कर रहे थे तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि सेकेंडरी ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइमरी रोल पे आ जाए या हमें मेमोरी को चेंज करना पड़ेगा नहीं 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 ये फेल हो रहा है वो नहीं वो फेल हो रहा है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा आप कहते हैं कि प्राइमरी थोड़ा डाउन हो गया ठीक है जिस आप ऑलरेडी सैटरडे संडे जो दूसरा भी आपने बनाया होगा ठीक है उसके पास भी वही रोड होगा जो प्राइमरी के पास दूसरे के ऊपर भी एडी इंस्टॉल करनी है दूसरे को भी अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर तो फेल ओवर इसमें कैसे होगा सर अगर दोनों को पे हम सहम करते हैं तो वो नहीं आ जाएगा जो रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन वगैरह अगर क्लस्टरिंग हम करते हैं डोर वो जो आप करते हैं ना एडी इंटीग्रेटेड में ये होता है अगर आपने सेकंड पे चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका रिफ्लेक्ट फर्स्ट पे जाता है फर्स्ट पे चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका रिफ्लेक्ट सेकंड पे जाता है ठीक है तो ये उसका बिहेवियर चल रहा है ठीक है अगर एक भी उसमें से डाउन होता है तो उसमें उसको कोई इशू नहीं हर एक के पास जो है एक एक सेकंड की जो है डेटाबेस अपडेट है एडी इंटीग्रेटेड के केस में तो सर हमें एक को पीडी बनाना पड़ेगा पीडी से दूसरे को एडी से बनाना पड़ेगा उसे देखिए आपके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा तो नहीं होगा ना कि वहां पे डिफरेंट विंडो रूल नहीं चल रहा चल रहा होगा बिल्कुल चल रहा होगा उसके ऊपर भी डीएनएस उसके ऊपर भी डीएनएस चल रहा होगा समझ रहे हैं ना उसके ऊपर भी डीएनएस चल रहा है आप कहते हैं कि अगर मेरा एक सेपरेट सर्वर है ओनली फॉर डीएनएस ठीक हो गया ठीक है ओनली फॉर डीएनएस अगर वो मेरा डाउन होता है मतलब कि मेरे पीछे से मेरा एक प्राइमरी डाउन होता है तो जो आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो इटसेल्फ एक प्राइमरी का रोल अदा कर रहा है वो तो ठीक है वो सही है ठीक है तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है हाँ अगर आपके पास ओनली डोमेन कंट्रोलर है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ही नहीं है सिर्फ आपने डीएनएस सेपरेट सेकेंडरी इंस्टॉल किए हैं तो आप कहते हैं कि अगर वो मेरा प्राइमरी डाउन होता है तो वो जो है सेकेंडरी वो रोल अदा करे वो आपको काम मैनुअल करना पड़ता है वो ऑटो में नहीं जाता है समझ आ गई चीज तो सर जैसे सर कि क्लस्टरिंग अगर हम कॉन्फिगर करते हैं और डीएनएस एडी फिलहाल छोड़ देते हैं हमने सिर्फ डीएनएस सर्वर डोर कॉन्फिगर उस केस में कैसे काम होगा क्योंकि हमारे दोनों पे रिकॉर्ड जा रहे होंगे और कभी ये हो सकता है कि मेरे कुछ पीसीज को एक ए से मिल रहे हैं रिकॉर्ड कुछ को बी से अब एक्टिवेट मोड करना चाहते हैं एक्टिवेट अब एक्टिवेट मोड में दोनों को प्राइमरी करना पड़ेगा दोनों को प्राइमरी दोनों को इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी हां दोनों को प्राइमरी करना पड़ेगा ठीक हो गया आप कहते कभी वो दे दे कभी वो दे दे ना ठीक है तो वो उस केस में आपको दोनों प्राइमरी करना पड़ेगा तो फेल ओवर का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले नहीं 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 कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ये जो फंक्शनलिटी है फेल ओवर की ये आपको डीएस की मजबूत मिल जाती है इसमें नहीं मिलती इसमें नहीं मिलती क्योंकि जो उन्होंने ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराई है ना एडीएनटी के रिलेटेड उसके बाद उन्होंने ये जो फेल ओवर क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल साइड पे रख दिया ठीक हो गया
समझ रहे हैं, अगर वो नहीं होता कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी रिलेटेड तो फिर एक शायद वो इंट्रोड्यूस करा दे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको फेलोवर में या फ्रस्ट्रेशन में जाना पड़ना था, तो फिर आपको दोनों सर आपने डीएनएस दोनों को आपको किस पर करना पड़ना था प्राइमरी पे, अगर आपका एक डाउन होता है ठीक है तो दूसरा जो है वो आगे जो है थर्टिफिकेशन देता था दूसरा सर। लेकिन सर ये एक्टिव एक्टिव के केस में दोनों पे फिर रेप्लिकेट होने चाहिए रिकॉर्ड्स, दोनों पे रेप्लिकेट दोनों पे होते हैं एक्टिव दोनों पे क्या होता है दोनों पे होते हैं ठीक है 50-50 मतलब सिंपली मैं डीएनएस रोल इंस्टॉल करूं दोनों सर्वर पे और दोनों पे एक्टिव एक्टिव वो प्राइमरी का दोनों पे प्राइमरी का और सेम नेम दे के सेम सो दोनों एक्टिव किस तरह होगा सेम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होगा कि वो ये देखिए सिस्टम था मेरा उस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है प्राइमरी प्राइमरी का मैंने बताया कि क्योंकि इसमें तो जो हम कर रहे हैं आप इंस्टॉल इसमें तो आइडेंटिटी रिलेटेड है ही नहीं सिंपल आप क्या कर रहे हैं डायरेक्ट डीएनएस कर रहे हैं ठीक है। अब इसमें जैसे इसमें स्कोप कंफिगर यहाँ पे करते हैं फिर आपको जाकर स्कोप यहाँ पे कंफिगर करना पड़ेगा ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं फिर और कौन सा बिल्कुल सर ठीक है, लेकिन इसमें जो है क्या है इसमें इशू क्या क्रिएट होता है इसमें इशू क्या क्रिएट होता है अगर इसमें कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो एक टाइम लिमिट आपको उसमें सेट करनी पड़ेगी, अगर उसने भी रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया ठीक है तो बस इसमें यह होता है कि पता चले यहाँ पे उसने एंट्री की है तो वही सेम नेम की एंट्री वहां होगा ठीक है, वैसे आपको एक फीचर वो जरूर देगा एक फेल हो जाता है अगर ये डाउन हो जाता है तो ये उसके अगेंस्ट एक पूरी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा ठीक है, वैसे इसके अलावा इसमें कोई ऐसा इशू नहीं ठीक है, और बाकी जो फीचर्स हमारे की बात है माइक्रोसॉफ्ट में इसमें आपको प्रॉपर ये जो डी डी एन एस की फंक्शनलिटी भी प्रॉपर नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी भी इसमें अंदर नहीं मिलेगी इसमें नहीं होगा ये चीज़ें इसमें नहीं मिलेगी। DDNS का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ये ज़हन में रखिएगा, DDNS का प्रॉपर जो फंक्शनलिटी है ये वर्क करता है DSCP के साथ, DSCP जब मैं कंफिगर करूंगा उसमें टैग ऊपर जाके बकायदा ऑप्शन दिखाऊंगा उसके ऊपर ऑप्शन आ रही होगी आप उसको अलाउ करना चाहते हैं या उसको नो करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अलाउ, अगर उसके अंदर अलाउ ना हो तो फिर जब वो एंट्री वहाँ से जब सिस्टम से उठाएगा जो सिस्टम को नया आईपी देगा वो आईपी यहाँ पे आपके डेटाबेस में कभी भी वो नहीं करने देगा अपने, तो उसने सुन लें एक सुन लें डीएससीबी अपने जो उसके डेटाबेस है वहाँ पर तो उसने एंट्री रखी होगी लेकिन वो एंट्री आगे उसने डीएनएस को नहीं दी, नई मशीन को जब वो आईपी दे देगा तो अपने पास डीसीपी के पास होगी है ना, जब वो डीसीपी जो कंसोल होती है उसमें तो आईपी पहले स्टार्ट ही होगी बिल्कुल सर आती है ना ठीक है, लेकिन वो आईपी आगे वो आईपी इसने आगे फॉरवर्ड इसको देना होता है डीएनएस को बताना होता है भाई एंट्री तो हमने उसमें करना ठीक है, तो ये एंट्री जो आगे देने का कॉन्सेप्ट है ये किसका है डीडीएनएस अगर डीडीएनएस अनचेक कर देते हैं तो वहां पे वो एंट्री अपने दम तो रखता है लेकिन आगे डीएनएस को कभी भी बोले जिस तरह ये एंट्री नजर आ रही है।